हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एल्बर्ट बिल। द वायसराय लॉर्ड रिपन अटेम्प्ट टू मेक अ बिल टू एबोलिश द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दिस वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ लॉ मेंबर एल्बर्ट, दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड एल्बर्ट बिल। अकॉर्डिंग टू दिस बिल, इंडियन मैजिस्ट्रेट्स एंड सेशन जजेस वर गिवन एंटाइटलमेंट टू हियर क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट यूरोपियंस। यूरोपियंस स्टेइंग इन इंडिया कलेक्टिवली एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस बिल एंड कॉल्ड इट अ ब्लैक रूलिंग। एट लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू विदड्रॉ द एल्बर्ट बिल। स्टूडेंट्स, वायसराय लॉर्ड रिपन जो था उसने एक बिल यहाँ पर पारित किया जो कि पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था। जो यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर अत्याचार करते थे, तो ये एल्बर्ट के द्वारा, एक लॉ मेंबर थे उनके एल्बर्ट, उसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, इसलिए इसे एल्बर्ट बिल का नाम दिया गया। इस बिल के अनुसार इंडियन मैजिस्ट्रेट और सेशन जजेस जो यहाँ पर यूरोपियंस हैं जो लोगों को खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, उनको भी क्रिमिनल केस के तहत उनको सजा दे पाएंगे। तो जो यहाँ पर यूरोपियन थे, जो यहाँ पर रुके हुए थे, वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसे ब्लैक रूलिंग कहा और उसका विरोध किया। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बिल को वापस लेना पड़ा। नाउ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रायोर टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट्स बिगिन इन इंडिया। आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 1857 द नेशनल अवेकनिंग इंटेंसिफाइड एंड द मेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड वर पूना सार्वजनिक सभा 1870, इंडियन लीग 1875, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1876 एंड मद्रास महाजन सभा 1884 एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। दीज ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली एडवोकेटेड देयर डिमांड्स अबाउट लोकल इश्यूज बट ऑल्सो वीमेंटली एडवोकेटेड नेशनल डिमांड्स। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कॉल्ड अ नेशनल कन्वेंशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन इन कोलकाता इन 1883। About 200 representative participated in the convention, and again this convention was set up in 1885 in Kolkata. This was a major step in the direction of forming a new national organization in India. So student, 1857 के स्ट्रगल के बाद जो पूरा देश था वो जागरूक हो चुका था और इसको बहुत तेजी से इसमें लोगों को जगाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए। और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो थे, सबसे पहले लगभग 200 रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो फर्स्ट कन्वेंशन था वह कोलकाता में 1883 में स्टार्ट किया गया, और इसके बाद 1885 में सेकेंड कन्वेंशन हुआ और उसमें ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भारत की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन मिली कि किस तरह से मेजर स्टेप्स उठाए जाएं ताकि जो पूरा देश है वो जागरूक हो सके अंग्रेजों के खिलाफ। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिटवीन द ईयर्स 1870 एंड 1880 इंडियन पीपल हैड बिकम पॉलिटिकली कॉन्शियस एंड बाय द ईयर 1885 देयर वॉज अ प्लेटफॉर्म रेडी टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन नेशनल बेसिस। British officer A.O. Hume was a liberal and minded person. Hume had been feeling a need for a political organization which would bridge the gap between the rulers and the people being ruled. Hume obtained the permission from Lord Dufferin to convene a meeting of Indian National Union between 25th December and 31st December in Pune. But in the last moment, the place were changed and the meeting were held in the Mumbai. The convention was held in Mumbai on 28th December 1885 in Gokul Das Tejpal Sanskrit College. There were 72 representatives in this convention of the Indian National Congress. Vyomesh Chandra Banerjee was the president of the first convention of Indian National Congress, and at the suggestion of Sir Hume, the meeting was named Indian National Congress, and thus the Indian National Congress was born. So, students, Indian National Congress का establishment कैसे हुआ? 1870 से 1880 में लोग लगभग politically conscious हो चुके थे कि किस तरह से एक उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके थे कि किस तरह से नेशनल बेसिस पर हम अंग्रेजों को
अपने से दूर करेंगे और उनसे अपने देश को आजादी दिलाएंगे। इसमें एओ ह्यूम का बहुत बड़ा हाथ था, वो एक लिबरल माइंडेड पर्सन थे, उन्होंने ही परमिशन ली लॉर्ड डेफरिन से कि वो कन्वेन मीटिंग करना चाहते हैं, तो इंडियन नेशनल यूनियन उस वक्त उसका नाम था, लोगों को जिस पर मीटिंग करनी थी, और वो 25 दिसंबर 31 दिसंबर को, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर को पुणे में होनी थी, लास्ट मिनट में वो प्लेस चेंज कर दिया गया और उसे मुंबई में किया गया। मुंबई में वह 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई और ए सर ह्यूम की सजेशन के हिसाब से ही उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया। इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो था जन्म हुआ है, और उसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव थे जिसमें उन्होंने उस वक्त पार्टिसिपेट किया। व्योमकेश चंद बनर्जी जो थे उस वक्त उस सभा के प्रेसिडेंट थे, और इस तरह से फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का कन्वेंशन वहां पर स्टार्ट हुआ। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एक्सेप्टेड द लीडरशिप एओ ह्यूम इन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज दे वर नॉट इन द पोजिशन ऑफ हैविंग एन ओपन कंफ्लिक्ट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द एग्जिस्टिंग सर्कमटेंसेस। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस व्योमकेश चंद्र बैनर्जी स्टेटेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस इन द इट्स फर्स्ट कन्वेंशन इन 1885 टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल इंटीमेसी अमंग पीपल हु वर्क एंथुसियस्टिकली फॉर द कंट्री, टू इरेडिकेट द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट रिलीजन एंड रीजन्स एंड रिमूव द प्री जुडिसेस थ्रू फ्रेंडशिप एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, टू डॉक्यूमेंट द कंटेम्प्रेरी एंड बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ एजुकेटेड एंड मेच्योर्ड इंडिविजुअल थ्रू अ केयरफुल एंड डिटेल्ड डिस्कशन, टू चार्ट अ प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड पब्लिक गुड फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी एओ ह्यूम पर बहुत भरोसा करती थी, और जो लीडर थे उन्होंने उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन में उनको उन्होंने फाउंडेशन के लिए उन्होंने उनको श्रेय दिया और उनको अधिकार दिया कि वो लीडरशिप करें। इसके बाद जो मेन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सामने मेन समस्या थी कि नेशनल लोगों की पूरे नेशन की जो फीलिंग्स हैं उनको किस तरह से समझा जाए, और जो लिबरल पार्टी बनाई गई है तो उस पार्टी से जो पॉलिटिकल फोरम है वो, और जो लोगों के दुख हैं उनको किस तरह से समझ के और जो अंग्रेज हैं उनके सामने रखा जाए। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे कांग्रेस के व्योमकेश चंद्र बनर्जी जो थे उन्होंने फर्स्ट कन्वेंशन रखा 1885 में, और उन्होंने कुछ 4 पॉइंट्स जो बताए वो ये थे कि टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल, मतलब कि फ्रेंडशिप और म्यूचुअल इंटीमेसी को लोगों के बीच में रखा जाए, लोगों के बीच में बढ़ाया जाए, और इसके साथ साथ कास्ट रिलीजन और दूसरी चीजों के बेसिस पर जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर किया जाए। जो उस वक्त की बर्निंग प्रॉब्लम्स थी इंडिया की, मतलब कि किसानों की समस्याएं और भी सारी समस्याएं, तो उन समस्याओं के ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज का चार्ट प्रोग्राम बनाया जाए और पब्लिक गुड्स जो है उसके अगले 12 मंथ के लिए उनको तैयार किया जाए। तो वेरी सून दिस ऑर्गेनाइजेशन टुक द शेप ऑफ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकेम एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ऑफ इंडिया। बहुत ही जल्दी ये जो ऑर्गेनाइजेशन था या नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बन गया और जो भारत की जो फीलिंग्स थी उसको एक्सप्रेस करने का एक जरिया बन गया। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म लिबरलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म नेशनलिज्म इन द नेक्स्ट वीडियो।